हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि जब हमें पता चला कि हमारी लड़की को वर्चुअल ऑटिज्म है, तो मैंने उसकी स्क्रीन बंद करके उस पर घर पे ही मैंने क्या क्या उस पर काम किया, क्या क्या घर पे मैंने एक्टिविटी कराई बिना थेरेपी के, बिना किसी मेडिसिन के। आज वो बहुत ही अच्छे लेवल पर आ गई है। पूरा एक साल उसको हो गया है, एक साल से मैं उस पर काम कर रही। मैं उस पर क्या क्या काम करी और मैंने किस तरीके से उसे घर पे ही ठीक किया, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, आप शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो देखेंगे तो यकीन मानिए आपका बच्चा भी काफ़ी अच्छे लेवल पर आ जाएगा बिना किसी थेरेपी के। और घर के ही कामों में बच्चे को इन्वॉल्व रखना है, घर के ही सामान से, घर की ही एक्टिविटीज से बच्चे को किस तरह से नॉर्मल लाइफ में लेकर आएं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं ताकि मैं बीच में भूल ना जाऊँ कि मैंने मेरी बेटी के साथ क्या क्या काम किया है, तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चे की स्क्रीन बंद करना है। स्क्रीन बंद करते ही बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, तो उसको किस तरह से काम डाउन करना है मैं आपको बताती हूँ। बच्चा स्क्रीन के लिए जिद करेगा, रोएगा, तो उसको रोने दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। वो रोए तो उसको आपको घर की एक्टिविटी में, घर के कामों में लगाना है। ये नहीं कि आप उसे अलग से लेकर बैठे हो कि सुबह से शाम तक आप उसी के साथ बैठे हो, उसी को लेकर बैठे हो, तो ऐसे बच्चा नहीं सीखेगा। आप घर में जो भी काम करते हैं डेली, और वही काम आपको करते रहना है और उसको साथ में इन्वॉल्व करके आपको करना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सुबह उठकर सब लोग झाड़ू लगाते हैं, तो आप झाड़ू लगा रहे हैं तो आप भी अपने बच्चे को छोटा सा झाड़ू दे दें और उसको बोले कि देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, देखो इससे कचरा साफ होता है, आप भी लगाओ चलो। तो उसके हाथ में आप झाड़ू दो तो उससे वो इन्वॉल्व रहेगा आपकी एक्टिविटी में। इस तरह से वो इमिटेशन करना चालू कर देगा। मतलब इमिटेशन मतलब जो आप काम कर रहे हैं आपके देख देख के वो इमिटेशन, वो काम वो करने लगेगा। जैसे इस तरीके से अगर आप इमिटेशन बच्चे को करवाएंगे तो आप जो बोलते हैं वो ही सेंटेंस या वो वर्ड वो खुद भी बोलने लगेगा। इमिटेशन से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। अब देखिए, आप नहाने के बाद आप कपड़े धोने जाते हैं तो बच्चे को भी साथ में वहीं पे बिठा लें, उसको भी एक कपड़ा दें और उसको बोलें कि आप भी धो, चलो मैं कपड़े धुल रही हूँ आप भी धो, देखो मैंने पहले साबुन लगा दी, अब मैंने पानी डाला, ये देखो बाल्टी में कितना सारा पानी रखा है, ये देखो डब्बा से मैं पानी डाल रही हूँ। और बच्चे को बोलो को देखो आपने कितने ज़्यादा कपड़े गंदे कर दिए, अब मुझे वॉश करना पड़ेगा, देखो कपड़े गंदे हो जाते हैं तो वॉश करते हैं। तो ऐसे मतलब बच्चे को आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखो, इससे बच्चे का आई कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा और वो आपको सुनना चालू करेगा, आपको समझना चालू करेगा। जब बच्चा आपको सुनना समझना चालू करेगा तभी वो बोलना चालू कर पाएगा, तभी वो आपकी बातें मानेगा, समझेगा और बैड बिहेवियर नहीं करेगा। अब आप खाना बना रहे हो, जैसे आप रोटी बना रहे हो तो आप पहले आटा गूंथेंगे, तो बच्चे को भी साथ में बिठाना है तो थोड़ा थोड़ा आटा आप उसके हाथ में भी दे दें। ये देखो आप उसको बोलें कि देखो अब मैं रोटी बनाऊंगी, आप भी रोटी बनाना, तो उसको भी अगर अलग से चकली बेलन है तो उसको दे दो, या फिर प्लेट में उसको आटा रख के दे दो, तो वो आटे से खेलेगा, जिससे उसके सेंसरी इशू डाउन होंगे और हाथ की मसल्स उसकी मजबूत होंगी और लिखने में उसको फ़ायदा होगा। तो आप उसको साथ में आटा दे दें, और हो सके तो आप उसको पास में, गैस के पास में भी बिठा सकते हैं। ऐसे आप बिठाएं कि उसको आग में वो हाथ ना डाले गैस के ऊपर, तो इस तरीके से आप उसको बिठा सकते हैं। तो बच्चे को आपने बिठा दिया तो अब आप रोटी बनाइए, तो बच्चे से बोलते जाइए देखो मैंने अब रोटी बेल दी, अब मैं इसको सेकूंगी, मैं रोटी को तवे पर डालूंगी। ऐसे मतलब बच्चे से पूरी जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं सब बोलते जाओ, वो बच्चा आपको सुनना देखना चालू कर देगा, आपसे आई कॉन्टैक्ट करना चालू कर देगा। बस आप जो जो घर के काम कर रहे हैं उसमें उसको साथ में लेके बैठो, और हो सके तो उसको भी साथ में आप काम करवा सकते हैं। बीच बीच में बताते भी जाओ बच्चे को कि देखो ये रोटी है, ये सब्ज़ी है, इससे हम खाते हैं, इससे हमारी भूख मिटती है, पेट में भूख लगती है,
और खाना खाना पड़ता है। खाना खाने से हमारी भूख अच्छी हो जाती है, हम हेल्दी रहते हैं, खाना खाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ बताते जाओ। अब सब्जी की बारी आई। अब आप सब्जी बना रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्जी काट रहे हैं, तो ऐसे आप भिंडी काट रहे हैं तो एक दो भिंडी बच्चे को दे दो खेलने के लिए, और बच्चे से बोलो कि इसको ये सब्जी है, इसे भिंडी बोलते हैं और ये ग्रीन कलर की होती है, उससे मतलब बोलते जाइए, बातें करते जाइए और आप साइड में काटते जाइए और बच्चा खेलता रहेगा भिंडी से और आप उससे ऐसे ही बातें करते जाइए। फिर अब सब्जी बनाने की बारी आई तो अब आप कढ़ाई रखेंगे तो आप बच्चे को बोलो को ये देखो ये कढ़ाई है, मैंने गैस पे रख दी है, अब गैस चालू कर दिया है, अब मैंने ऑयल डाला है, अब मैंने प्याज डाल दी, ये देखो हरी मिर्च काट कर मैंने डाल दी है, अब भिंडी डाल दी है, अब इसमें मसाले डलेंगे, हल्दी धनिया ये सब डले। तो बच्चे को दिखाते जाओ, उससे क्या उसकी वोकेबुलरी भी बढ़ेगी, उसको पता चलेगा कि इसको भिंडी बोलते हैं, इसको हल्दी बोलते हैं, इसको धनिया बोलते हैं, ये ऑयल है। और साथ ही साथ बच्चे को प्रोसेस भी पता चलेगी कि पहले क्या डाला, पहले ऑयल डाला, फिर ऑनियन डाली, फिर ये डाला, फिर वो डाला। तो ऐसे कर करके बच्चे को आप दिन भर अपने ही काम में साथ में लेकर बैठना है। मैं ये नहीं बोल रही कि उसको अलग से आप लेकर बैठो, तो ये सब आपको करना है। अगर आप ये सब एक्टिविटी करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उससे आपका बच्चा घर में ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब ऐसे आप कपड़े धुले हैं आपने, आप कपड़े टांगने जा रहे हो तो बच्चे को बोलो ये देखो मैंने क्लिप लगा दी है, नहीं तो कपड़े उड़ जाएंगे तो क्लिप लगाना पड़ेगा, ये देखो मैंने आपकी टी शर्ट टांग दी है, पापा का पैंट मैंने टांग दिया है, ये किया वो किया, ऐसे बताओ। और कपड़े सूख जाएं तो बच्चे को बोलो ये देखो ये धूप है, सन से हमें धूप मिलती है, धूप में कपड़े सूख गए, अब घड़ी करके रखना है, और कपड़े घड़ी करके रखते जाएं और बच्चे को बताते जाएं ये देखो पापा के मोजा सूख गए, मैंने घड़ी करके रखूंगी इधर, ये तुम्हारा पैंट सूख गया मैं इसको घड़ी करके रखूंगी, ऐसे बच्चे को बोलते जाओ और हो सके तो एक दो कपड़े उसे भी दे दो। लो आप भी इस तरीके से घड़ी करो, बच्चे को ऐसे आपको बोलना होगा। और अब मैं आपको बताती हूँ और एक्टिविटी आप कैसे कर सकती हो। ABCD वाली पजल आती है मार्केट में, तो वो आप लेकर आए, मैं भी मेरी लड़की के लिए लेकर आए थे हम डीमार्ट से पजल। तो ABCD वाली पजल से फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को सिटिंग बैठने की हैबिट बनेगी, हाइपर एक्टिविटी कम होगी, साथ ही साथ हाथ की मसल मजबूत होंगी, लिखने में उसे फ़ायदा होगा। और एक बात ये है कि उसको ABCD का आइडेंटिफिकेशन होगा, उसको कैसे लगाना है पजल में, खाँचे जैसे होते हैं और ABCD के लेटर्स होते हैं तो उसमें उनको बच्चे को फंसाना पड़ता है। तो वो पजल में लाई थी लड़की के लिए, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उससे बैठने की हैबिट बढ़ी, ABCD सीखी, हाथ की मसल मजबूत हुई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना वो सीखी। और नेक्स्ट आप ब्लॉक्स बच्चे को दे सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं। शुरू शुरू में बच्चा नहीं करता है, इनफैक्ट पजल भी बच्चा नहीं करेगा। शुरू शुरू में आप ही पजल बना के उसको दिखाओगे, देखो इसे इधर फिट करेंगे, ये है, बी को इधर लगाएंगे, सी को इधर लगाएंगे, ये देखो बी येलो कलर का है, सी वाइट कलर का है, ऐसे उसको बोलते जाना है। और ब्लॉक्स में भी आप साथ साथ में बच्चे को कलर बताते जाएंगे, ये देखिए ये वाइट कलर है ब्लॉक, ये ग्रीन कलर का ब्लॉक है, इसको ऐसे लगाएंगे, इसको ऐसे। बच्चे की मसल शुरू में मजबूत नहीं होती, उससे लगता नहीं, तो आप उसको बताओ देखो देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ऐसे कर करके आप इन्वॉल्व रख सकती हैं बच्चे को, आप इस तरीके से ब्लॉक बनवा सकती हैं। और जो कपड़े सुखाने की क्लिप आती है उसे भी आप बच्चे को दे सकती हैं और उससे बोलें कि इसको दबाओ, खोलो, लगाओ, ऐसे उसको दबाने को बोले, जिससे उसकी फिंगर की मसल मजबूत होगी और उसको एक गेम जैसा लगेगा। और एक काम आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को खाली न्यूज़पेपर देकर उसको फाड़ने की बोले, ऐसे फाड़ो फाड़ो, तो बच्चों को क्या है ऐसे फाड़ने तोड़ने में मज़ा आता है, तो वो पेपर को फाड़ेगा तो उसकी जो हाथ की मसल है, फिंगर की मसल है, मजबूत होगी, लिखने में फ़ायदा होगा और साथ ही साथ वो किसी काम में इन्वॉल्व रहेगा और बैठने की सिटिंग टॉलरेंस उसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। और एक और एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ये सब खेल खेल में आप कर सकते हैं, आप मार्केट से थर्माकोल बॉल लाएँ कलरफुल, और जिससे बच्चा एक जगह बैठना सीखेगा, सॉर्टिंग करना सीखेगा। आप बच्चे को कलरफुल बॉल दें, जैसे ग्रीन, रेड, येलो,
सभी मिक्स बॉल रहेंगी, आप कटोरी में उसको बॉल रख दो, उसको बोलो चलो इस कटोरी में ग्रीन ग्रीन डालना है, इसमें ऑरेंज ऑरेंज डालना है, ये ऑरेंज कलर की बॉल है, बार बार उसको कलर भी बताओ, सॉर्टिंग बताओ। इस तरीके से बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, अटेंशन देना चालू करेगा और उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम होगी। और एक उस तरह की बॉल आती है जो पानी में डाल देते हैं तो मैजिक बॉल उसको बोलते हैं, पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है, तो इस तरह की बॉल भी ला सकते हैं आप, कलरफुल बॉल बच्चे को दें, उससे बच्चा कलर आइडेंटिफाई करना सीखेगा और उसके सेंसरी इशू भी डाउन होंगे। वो बच्चे को वो बॉल को टच करवाएं तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, अगर बच्चा किसी को मारता है, हिटिंग बिहेवियर है तो। और बच्चे को आप मिट्टी में खिलवा सकती हैं, रेत में खिलवा सकते हैं, बाहर से आप मिट्टी या रेत घर पे ले आएँ या बाहर बैठा के उसको खिलवाएं, उसको बोले, और शुरू शुरू में बच्चा नहीं खेलेगा तो आप भी उसके साथ खेलने लगे, उसको बोले ये देखो मिट्टी से मैंने क्या बनाया, मैंने मिट्टी से हेलीकॉप्टर बनाया, मैंने मिट्टी से लॉलीपॉप बनाया, ऐसे कुछ कुछ बना के दिखाओ, तो वो भी देखने लगेगा, उसको मज़ा आएगा। बच्चों को क्या गंदा करने में मज़ा आता है, तो इस तरीके से मिट्टी से वो गंदा हो जाएगा, उसको मज़ा आएगा। तो मिट्टी में खेलने से ब्रेन का विकास बहुत ही ज़्यादा होता है और हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी उनका इम्प्रूव होता है, दोनों हाथों से काम करना बच्चा सीखते हैं, हाथ से ही दिमाग में ब्रेन में मैसेज जाता है बच्चे के कि किस तरीके से वो काम करे और किस काम को वो कर सकता है। इस तरीके से मिट्टी से आप ज़रूर खिलवाएं बच्चे को, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। आप चाहें तो कलरफुल क्ले भी मार्केट से ख़रीद के ला सकते हैं, उससे बच्चे को घर में ही आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। और एक और एक्टिविटी भी आप बच्चे को करवा सकते हैं, घर में ऐसे बॉल है बैट बॉल वाली या फिर जो फुटबॉल वाली बॉल है तो उससे बच्चे को आप खिलवाएं, साथ में आप भी बॉल साथ में उसको फेंकें, खिलवाएं, बोले कि चलो कैच करो, ऐसे बॉल को फेंको, वैसे बॉल को फेंको, बॉल को इधर फेंकना है, बॉल को इस दीवार पे फेंकना है, इधर फेंकना है, ऐसे उसको खिलवा, जिससे कि हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बच्चे का बढ़ेगा और खेलने की हैबिट आएगी, और जिससे बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ भी खेलने में मज़ा आएगा। अगर बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बॉल खेलना पसंद है बच्चे को, तो आप दूसरे बच्चों के साथ ही बॉल खिलवाएं अपने बच्चे को, बहुत ही ज़्यादा बच्चे को भी मज़ा आएगा। शुरू शुरू में बच्चा कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपको खुद को खेलना होगा, आप खुद एंजॉय करो, खेलो, तो देख देख के बच्चा भी आपके साथ खेलने लगेगा और एंजॉय करने लगेगा। और एक और आइडिया है कि आप बच्चे को इमिटेशन करना सिखाएं, जैसे कि आप हाथ जोड़ें तो बच्चे को बोलें देखो इस तरीके से हाथ जोड़ते हैं, आप हाथ जोड़ के दिखाओ, आप कान से हाथ लगाओ तो बच्चे को बताओ देखो ऐसे करो, आप नोज़ टच करो तो बच्चे को बोलो देखो ऐसे नोज़ टच करो, आप बाय करके दिखाओ तो बच्चा भी बच्चे को भी बोलो ऐसे बाय करके दिखाओ, हाय करके दिखाओ, ऐसे इमिटेशन करना बच्चे को सिखाओ, जिससे कि बच्चा आपको फॉलो करना शुरू करेगा, आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा तो आपसे सीखने लगेगा, कुछ भी आप सिखाएंगे तो आसानी से सीखने लगेगा, तो इमिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या सिलाई करती थी, मेरा एक और यूट्यूब चैनल भी है सिलाई का, तो मैं सिलाई करती हूँ तो मैं मेरी बच्ची को उसमें इन्वॉल्व रखती हूँ। अगर मैं सिलाई करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को अकेला छोड़, आप कोई भी काम करते, अगर आप ब्यूटी पार्लर चलाते हो, सिलाई करते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, कुछ भी आप वाट एवर काम करते हो तो बच्चे को साथ में इन्वॉल्व रखना। तो अब मैं सिलाई करती थी तो मैं बच्ची को इस तरीके से मैं मेरे साथ इन्वॉल्व रखती थी कि मैं ऐसे कुछ सिल रही हूँ तो मैं उसको बताती ये देखो मैं क्या सिल रही हूँ, आज तो मैं स्कर्ट सिल रही हूँ, किसका स्कर्ट सिल रही हूँ, झलक का स्कर्ट सिल रही हूँ, ये देखो किस कलर का है स्कर्ट, ये देखो दूर हटो सुई लग जाएगी, आपको नज़दीक नहीं आना है, ये देखो ये लेस है, ये मेजर टैप है, ये चौक है, इससे सिलाई करते हैं, ये कैंची है, इससे कटिंग करते हैं, ऐसे अपन कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप इन्वॉल्व रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप सोचो कि आप कुछ पर्सनल आपका काम कर रहे हो तो आप बच्चे को अलग बैठा सकते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं आपके साथ में बच्चे को बैठा सकते हैं। अब मानो कि आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो इस टाइम बच्चे को कैसे इन्वॉल्व रखें,
तो इस टाइम आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बच्चे को पास में बिठा के आप पजल बनवा सकते हो, आप थर्माकोल बॉल से खिलवा सकते हो, ये सब आप कर रहे हो। बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो आप बीच बीच में उसको बोल सकते हो कि नहीं नहीं ऐसे करो ऐसे करो, और आप साथ साथ फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बच्चा अलग रूम में बैठा है, आप बाहर जाके फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। बच्चे को साथ में रखना है, पूरा टाइम इंगेज रखना है आपके साथ, आपके कामों में इन्वॉल्व रखना है बच्चे को। अब देखो, अगर आप मेकअप करते हो, ब्यूटी पार्लर चलाते हो, तो आप बच्चे को कैसे इन्वॉल्व रखें? आप ऐसा करते हो तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बोलो कि देखो मैं मेकअप कर रही हूँ, ये क्रीम है, ये काजल है, काजल को आइस में लगाते हैं, लिपस्टिक है इसको लिप्स पे लगाते हैं, ये देखो ये सिंदूर है इसको माथे पे लगाते हैं, झुमका है कानों में पहनते हैं, ये नेकलेस है इसको नेक पे पहनते हैं, ऐसे मतलब बच्चे को बताते जाओ। कोई भी काम आप कर रहे हो सब कुछ उसको बताते जाओ, उससे क्या है बच्चा आपको सुनने समझने लगेगा और सीखने भी लगेगा। अब ऐसे आप घर में कुछ चेंज कर रहे हो, ऐसे आपने बेड शीट चेंज कर दी, टेबल को इधर से उधर कर दिया, कुर्सी को इधर से उधर आपने रख दिया, उसकी जगह बदल दी, तो भी आप बच्चे को दिखाओ ये देखो आज मैंने बेड शीट चेंज कर दी है, ये देखो पहले ये चेयर यहाँ रखी रहती थी अब मैंने इसको उधर रख दिया है। ऐसे बच्चे को आपको घर में जो भी चेंज होता है वो आपको बताना होगा। अब ऐसे घर में कुछ आप नया सामान खरीद के लाए हो कुछ भी, तो बच्चे को बताना होगा, ये देखो ये टॉर्च लाए हैं पापा, नई टॉर्च है देखो लेकर आए हैं पापा, या फिर बोलो ये देखो ये टॉर्च ऑनलाइन मंगवाई है अपन ने, ये देखो अंकल देकर गए हैं ऑनलाइन वाले, ऐसे कुछ कुछ बच्चे को घर में बताते रहो, बोलते रहो। अब मौसम की बारी आती है कि कोई भी मौसम है, ऐसे बारिश हो रही है तो बच्चे को बताओ ये देखो बारिश हो रही है, इस स्काई में ऐसे पानी गिर रहा है, बारिश होती है, इंग्लिश में इसको रेन बोलते हैं, और बारिश में नहीं जाना नहीं तो भीग जाओगे, बारिश में जाओगे तो अम्ब्रेला आपको लगाना पड़ेगा नहीं तो भीग जाओगे, ऐसे उसको बोलो। अब ऐसे गर्मी का मौसम है तो आप उसको बोलो गर्मी का मौसम है, गर्मी में फुल कपड़े नहीं पहनते हैं नहीं तो गर्मी लगेगी आपको बहुत ज़्यादा, गर्मी में देखो कुछ ओढ़कर नहीं सोते हैं नहीं तो गर्मी लगेगी, ऐसे कुछ कुछ बताना। ठंड का मौसम आया तो आप बोलो कि अब देखो ठंड का मौसम आ गया, चलो गर्म पानी से नहाएंगे नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी, अभी देखो ठंड का मौसम है ओढ़कर सोना पड़ेगा नहीं तो ठंड लगेगी बहुत ज़ोर से, ऐसे बच्चे को बोलते जाना है। और अब बच्चे को दिन रात के बारे में भी बताना है, जैसे कि ये देखो वाइट वाइट हो रहा है स्काई पूरा वाइट वाइट, अभी डे है, अब कुछ देर बाद नाइट हो जाएगी तो सब ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। बच्चा बोले मुझे घूमने जाना है तो उसको बोलो ये देखो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, नाइट नाइट हो गया, अंधेरा हो गया, इधर देखो अब कहीं नहीं जाते, नाइट हो गई ना, ऐसे बच्चे को बोलते जाओ। और बच्चे को बाहर घुमाने जाओ ज़रूर लेकर जाओ, उससे भी बच्चा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और बाहर घुमाना भी एक थेरेपी की तरह ही काम करता है। और साथ ही साथ आप बच्चे को स्कूल भी ज़रूर भेजें, क्योंकि स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी होती हैं कि जो थेरेपी का काम पूरा कर देती हैं, जो खासकर जो प्ले ग्रुप स्कूल होते हैं, प्ले ग्रुप छोटे बच्चों के प्री प्राइमरी, तो ऐसे स्कूल में बच्चों को ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसे स्कूल में अगर आप बच्चों को रखेंगे तो वहाँ पे अगर आप थेरेपी सेंटर भी बच्चे को नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पे उसकी कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो प्ले ग्रुप स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों को इस तरीके से ही खिलवाते हैं, बॉल से खिलवाते हैं, रेत में खिलवाएंगे, पानी में खिलवाते हैं, रिंग से खिलवाएंगे, बॉल से खिलवाएंगे, टॉयज से खिलवाएंगे, तो इस तरीके से बच्चे की एक तरह से थेरेपी हो रही होती है। तो वहाँ स्कूल भेजना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को पूरा टाइम 24 घंटे इंगेज रखना है, बस सोएगा बच्चा तभी वो शांत सोएगा, बाकी पूरा टाइम उसको किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व आपको रखना होगा। तो पेरेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस टॉपिक के बारे में या इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए भी ट्राई करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।